मणिपुर को लेकर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष, काले कपड़े पहनकर करेंगे विरोध। विपक्ष बनेगा मजबूत, मणिपुर का दौरा करेगा विपक्षी गठबंधन इंडिया, तारीख पर मोहर लगना बाकी। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने बनाई खास रणनीति, गडकरी अन्य दलों के सांसदों को बख्शेंगे, बाकी मंत्रियों को घेरेंगे। आज गुजरात के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, सौराष्ट्र को देंगे बड़ी सौगात, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना को करेंगे समर्पित। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी ने आज बुलाई विधायक दल की बैठक, सिद्धारमैया के नेतृत्व को लेकर असंतोष की आवाजों पर होगी चर्चा। यूपी में 7 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरेगा विपक्ष। रांची में बीजेपी ने आज बुलाई विधायक दल की बैठक, नए नेता के नाम पर लग सकती है मोहर, मॉनसून सत्र को लेकर होगी चर्चा। पंजाब के 19 जिलों में कहर बनकर आई बाढ़, 41 लोगों की गई जान, राहत शिविरों में रहने को हुए लोग मजबूर। दिल्ली में बारिश से बड़ा खतरा, यमुना का जल स्तर 205.5 के पार, अगले 6 दिनों तक बारिश की आशंका। आज से भारत वेस्टइंडीज के बीच खेली जाएगी वनडे सीरीज, दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। अमेरिका पढ़ाई करने गई तेलंगाना की लड़की शिकागो की सड़कों पर भूख से तड़पती मिली, मां ने लगाई मदद की गुहार। नाइजर में तख्ता पलट, सेना ने किया राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने का दावा। नॉर्थ कोरिया और रूस आए करीब, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु से की मुलाकात। जांच एजेंसी के चंगुल में फिर फंसे इमरान खान, सिफर मामले में एफआईए ने भेजा नोटिस। सिडनी शहर में गोलीबारी की घटना, टारगेट किलिंग से एक व्यक्ति की गई जान। शेयर बाजार में मजबूती बरकरार, सेंसेक्स 250 अंक चढ़ा, निफ्टी 19,850 के पार पहुंचा। यूपी में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव, भोपाल में दिल्ली आने वाली ट्रेन के शीशे टूटे। क्रेडिट कार्ड से लेकर आईटीआर तक अगस्त में हो रहे हैं 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर होगा असर। खाद्य तेल की कीमतें 1 साल के निचले स्तर पर, आम लोगों को बड़ी राहत। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, त्योहार को देखते हुए रेलवे आज से चलाएगा अतिरिक्त ट्रेनें, बिहार और यूपी के लोगों को होगा फायदा।